हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स दैट प्रेजेंट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये जो है फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जो कि प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज और पोजिशन ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है प्रोवाइड कराता है एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में और सॉल्वेंसी के बारे में ऑफ द एंटिटी। ये जो है टिपिकली प्रिपेयर्ड होते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ। नंबर वन, इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट होता है, ये समराइज करता है रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट इनकम को ऑफ कंपनीज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैसे, सब्ट्रैक्ट करके एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू, कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम को। जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है, ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को समझने में इफ़िशेंटली कि कंपनी की प्रॉफिट जनरेट करने की क्या कैपेसिटी है, कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। बैलेंस शीट जो है प्रोवाइड कराती है एक स्नैपशॉट ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, स्पेसिफिक पॉइंट एंड टाइम। ये जो है लिस्ट करती है कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी। बैलेंस शीट जो है फॉलो करती है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये शो करती है कि कंपनी के ओन्स एसेट्स जो है वॉट इट ओन्स लाइबिलिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट होता है ये ट्रैक करता है फ्लो ऑफ कैश को इन टू एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। ये कैटेगराइज करता है कैश फ्लो इन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हेल्प करता है एसेस करने में कंपनीज की एबिलिटी जनरेट करने की कैश और उसके लिक्विडिटी पोजीशन। इट पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, ये जो है इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि कंपनी जो है कैन बी प्रॉफिटेबल बट स्टिल फेस कैश फ्लो इशू। कंपनी हमारी बेसिक प्रॉफिट में हो बट जो है वो फेस कर सकती है कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये शो करता है चेंजेस इन इक्विटी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, डिटेलिंग ट्रांजेक्शन जैसे कि डिविडेंड्स, शेयर एंड चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग, बिगनिंग एंड एंडिंग बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज होता है इन इक्विटी, ये जो है शो करता है कोई भी चेंज हो इन इक्विटी ओवर स्पेसिफिक पीरियड और डिटेल्ड ट्रांजेक्शन। तो ये थे मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इस सीरीज में हमारे फ्रेंड्स 19 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।